हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स को मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, द लॉस्ट चाइल्ड का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। कुछ बच्चों ने देखा है, अभी कुछ ने नहीं देखा है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरा कि उन्हें अवश्य देखें और देख करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उसका लाभ सबको मिल सके। बहुत ही अच्छा वीडियो है डियर स्टूडेंट्स, एक एक वर्ड को मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है, तो ज़्यादा बातें अब मैं नहीं करूँगा। आगे का लेसन आज स्टार्ट करना है, तो इसके पहले मैं पिछले वीडियो का कुछ ब्रीफ समरी आपको बता दूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वह बच्चा जो है मेले में प्रवेश कर जाता है, काफ़ी भीड़ है, एक मिठाई की दुकान है और मिठाई की दुकान के पास जाकर के बच्चा अपनी मनपसंद मिठाई को देखता है जो कि बर्फी है और वह बच्चा कहता है आई वांट दैट बर्फी, आई वांट दैट बर्फी। बच्चा कहता है मुझे यह बर्फी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये लाइन है आई वांट दैट बर्फी। तो बच्चे को अपने मम्मी पापा से उम्मीद नहीं रहती है कि उसे बर्फी मिल ही जाएगी, तो बच्चा जो है आंसर की प्रतीक्षा नहीं करता, पेरेंट्स के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का लेसन उससे आगे शुरू होने जा रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है, ये फ्लावर सेलर हॉप, यहाँ से आज की लाइन स्टार्ट हो, यानी बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसको एक फ्लावर सेलर मिलता है। फ्लावर सेलर हॉक मतलब होता है आवाज लगाना और फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला। तो फूल बेचने वाले ने आवाज लगाई, क्या आवाज लगाई देखिए, कह रहा है ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। इस तरह से जैसे कि मेले में हम लोग देखते हैं फेरी वाला चिल्लाता है, उसी तरह से ये फ्लावर सेलर भी चिल्ला रहा था कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, राइटर कहते हैं कि बच्चा जो है ऐसा लगा कि अपने आप को आकर्षित होने से रोक नहीं सका। इररेजिस्टिबली मतलब जिसको रोका नहीं जा सका, और ड्रॉन मतलब आकर्षित होना, ड्रॉ मीन्स खींचना होता है। वह बच्चा खींचा चला आया उसकी ब्यूटी को देख करके, यानी गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की खूबसूरती को देख कर। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वह बच्चा बास्केट की तरफ चला गया, वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड, जहाँ पर फ्लावर्स यानी बहुत सारे फूल ले हिप्ड पड़े हुए थे, हिप्ड मतलब ढेर लगे हुए थे, फूलों का ढेर सा लगा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, और आधी मर्मर्ड मतलब बड़बड़ाना, तो आधा बड़बड़ाने से मतलब यहाँ है स्टूडेंट्स कि धीरे से
क्योंकि मम्मी पापा का उसे डर भी लग रहा है। तो बच्चा धीरे से, क्योंकि सहमा हुआ है, क्योंकि पहले आपने पढ़ा कि जब भी कुछ बच्चा मांगता है तो उनके पेरेंट्स उनको लाल आंखों से, क्रोधित आंखों से देखते हैं। तो बच्चा धीरे से अपना रिक्वेस्ट करता है, क्या? आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चिप। अब देखिए, वह बच्चा वेल न्यू मतलब अच्छी तरह जानता था। क्या जानता था? हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, उनके मम्मी पापा मना करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, इनकार करेंगे। क्या चीज से? टू बाय, खरीदने से। हिम उसे, यानी उसे खरीद कर देने से इनकार करेंगे। क्या? दोज फ्लावर्स, वे सारे फूल। क्यों क्यों मना करेंगे? बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे दैट दे वेयर चीप, ये सब फूल तो सस्ते हैं। अर्थात कोई ना कोई बहाना कर देंगे उनके पेरेंट्स और उनको खरीद करके नहीं देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अतः बिना किसी आंसर की, बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ चला। आगे बढ़ा तो क्या देखा? अ मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। क्या देखा? एक आदमी जो है एक पोल को पकड़ा हुआ है। होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना, थामना। ये होल्डिंग, एक आदमी स्टूड खड़ा था, होल्डिंग थामा हुआ, पकड़े पकड़े हुए जो कहो, एक आदमी पकड़ करके खड़ा था ये पोल, एक डंडा, विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स। और उस डंडे में क्या क्या था? सिर्फ बैलून्स था, कलर अलग अलग है, येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल। और ये बैलून्स जो है फ्लाइंग फ्रॉम इट, उस डंडे से बंधा हुआ बैलून उड़ भी रहा था। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। अब देखो क्या हुआ। वह बच्चा सिंपली यानी सहज ही कैरी डब मतलब बह गया, अर्थात आसक्त हो गया, आकर्षित हो गया किसके? बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिलिकन कलर्स, उन गुब्बारों के जो रेनबो ग्लोरी थी, सतरंगी। और ग्लोरी मीन्स ऐसे महिमा होता है, ग्लोरी गौरव। तो यहाँ पर कलर को, सतरंगे रंगों को देख करके, इंद्रधनुषीय छटा को देख कर, इंद्रधनुषीय रंगों को देख करके, किसके रंग? बैलून के, देयर सिल्कन कलर्स। और ये रंग कहते हैं बिल्कुल सिल्क जैसा था, बिल्कुल सिल्कन, सिल्क से बना रेशम, रेशमी कलर जैसा। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ओवरवेलमिंग यानी प्रबल इच्छा हो गई उसकी, ओवरवेलमिंग तीव्र इच्छा हुई। क्या? टू पजेस देम ऑल, सारे का सारा, यानी ऑल टू ऑल बैलून्स वो चाहता था। द चाइल्ड वॉन्टेड टू हैव ऑल द बैलून्स, नॉट वन और टू, एक दो बैलून्स नहीं। उनको मन में अब प्रबल इच्छा उनके मन में जगी, मैं सारे गुब्बारे ले लूं। चलिए, एक तो देने वाले नहीं है बच्चे को, लेकिन सारे की कल्पना कर रहा है बेचारा, देखिए क्या होता है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय ही द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर उस चाइल्ड का नेचर आप देखिए,
खुद ही वह कुछ रिक्वेस्ट करता है और उस रिक्वेस्ट का क्या रिस्पॉन्स मिलेगा पेरेंट्स से, इसकी वह प्रतीक्षा भी नहीं करता। खुद ही उस रिक्वेस्ट का क्या रिएक्शन होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, वह खुद ही दे देता है। ये बड़े कमाल की बात है। यहाँ पर बच्चा खुद ही रिस्पॉन्स कर लेता है मम्मी पापा के बदले। देखो बार बार हम लोग यही देख रहे हैं। नहीं, बट ही वेल न्यू, पहले भी पढ़ा था ना, बट ही वेल न्यू है। देखो यहाँ पर है, ये लाइन बार बार आ रहा है, बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था क्या, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, कि उनके पेरेंट्स उन्हें तो बैलून्स खरीद कर कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, कारण भी जान रहा है, क्यों नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे तो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। कहेगा बेटा तू इतना बड़ा हो गया, अब ऐसे खिलौनों से खेलने के लायक नहीं है। अरे तू इतना बड़ा हो गया, बैलून से खेलेगा, कि खुद ही सोच रहा है कि उनके मम्मी पापा तो ऐसा ही कहेंगे। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, इसलिए वह बच्चा वॉक ऑन फार्दर और दूर चलता चला गया। सॉरी। अब देखिए, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू ए स्नेक व्हिच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। अब देखिए दूर जाने के बाद बच्चे को क्या नजर आया, एक सपेरा है, स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, खड़े होकर के वह बांसुरी बजा रहा था, टू ए स्नेक, एक सांप के आगे, विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो किसी टोकरी में क्वाइल्ड था, मतलब कुंडली मार करके बैठा, इट्स हेड रेज्ड, लेकिन उसका जो फन है, हेड है, वह ऊपर उठा हुआ था, इन ए ग्रेसफुल बैंड, ग्रेसफुल यानी ब्यूटीफुल, बैंड मतलब मोड़, उसकी गर्दन की मोड़ जो थी बड़ी खूबसूरत थी, और उसकी तुलना की गई है कि गर्दन का जो मोड़ है, गर्दन का जो झुकाव था कैसा था, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, स्वान हंस को कहते हैं, तो हंस की गर्दन जिस तरह से काफी ऊंची होती है ना, और मुड़ा हुआ होता है, तो लग रहा था कि वह सांप की गर्दन मानो किसी हंस की खूबसूरत गर्दन जैसी हो। While the music stole into its invisible ears, और जबकि while जबकि the music stole into, जबकि संगीत प्रविष्ट कर रहा था उस सांप के invisible ears में, invisible मतलब ऐसी आँखें, ears sorry ऐसे कान जो invisible, यानी सांप के कान students दिखाई नहीं देते, इसलिए लेखक ने ये म्यूजिक जो है ना सांप के कानों में ऐसा समा रहा था, इस तरह समा रहा था, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, मानो किसी वाटरफॉल का अदृश्य रिपलिंग हो, तरंग हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा बढ़ चला उस सपेरे की तरफ, बट knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. लेकिन क्या वह यह जान करके, knowing his parents, क्या जान करके कि उनके मम्मी पापा ने had forbidden him, forbid means होता है मना करना, forbidden V3, उनको मना कर रखा है क्या चीज से, to hear such coarse music, इस तरह की कर्कश म्यूजिक को सुनने से, कैसा कर्कश म्यूजिक, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड था, और इसलिए वह बच्चा आगे बढ़ गया। चलिए उसके बाद आगे की लाइन,
आगे की लाइन देखते हैं, प्रोसीडेड फादर के बाद क्या होता है, देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। क्या देखते हैं, एक राउंड अबाउट। अब राउंड अबाउट का मतलब होता है एक तरह का झूला जो गोल गोल घूमता है, लोग उसको तारा माछी भी जान बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। बड़ा सा झूला होता है, बहुत सारे लोग बैठते हैं और गोल गोल घूमते रहते हैं, तो राउंड अबाउट देखता है। इन फुल स्विंग यानी पूरी गति में था वह राउंड अबाउट। फुल स्विंग मतलब पूर्ण गति में घूमता जा रहा था वह गोल गोल। तब मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए वर्लिंग मोशन श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजिला। अब लेकर कर रहे हैं कि उस झूले में भाई पुरुष भी थे, महिलाएं थी और बच्चे भी थे, और वर्लिंग मोशन में यानी चक्कर काटता हुआ मोशन में, चक्करदार या गोल गोल घूमता जा रहा था, और घूमते जा रहे तो लोग श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर। कुछ लोग चिल्ला भी रहे थे, चीख भी रहे थे, कुछ लोग जोर जोर से हंस भी रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, इंटेंटली मतलब क्लोजली, ठीक है, अटेंटिवली जो कहिए, केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखा बच्चों ने, उस लड़के ने, लिटिल चाइल्ड जो है उसने देखा लोगों को जो घूम रहे थे उस राउंड अबाउट में। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उसने एक हिम्मत भरा हुआ, बोल्ड ठीक है, साहसिक रिक्वेस्ट, बड़ी साहस जुटा करके उसने एक रिक्वेस्ट लगाई, फिर आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। क्या कहा, माँ पिताजी मुझे भी राउंड अबाउट में जाना है। अब देखिए, जाना तो है लेकिन अब जाने तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप खुद अंदाज लगा सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देयर वाज, यहां से शुरू करते हैं अगली लाइन। देयर वाज नो रिप्लाई, यानी राउंड अबाउट पे जाने के लिए जब रिक्वेस्ट लगाया तो फिर कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अब वह मुड़ करके अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, यानी सोचा जरा देख भी लें, पहले तो देख भी नहीं रहा था, तो देखता है क्या, दे वेयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। बड़ा गजब हो गया, क्या हुआ कि बच्चे के माता पिता उनके आगे में, उनके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, अब बच्चा जो है दोनों तरफ, आइदर साइड मतलब इधर उधर दोनों तरफ, दायां बायां जो कहीं देखा उसने, दे वेयर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उनके वहां होने का कोई नामो निशान नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, ड्राई थ्रोट यानी बच्चे का गला जो है ना सूख गया था, बेचारे काफी मेले में भाग रहा है ना, और फुल डीप क्राई रोज, कहता है पीच में एकदम बहुत तेजी से जो है रोने की आवाज, चीख निकल पड़ी बच्चे की, कहां से, सूखे हुए कंठ से। एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और बॉडी को जोरदार झटका देता हुआ, ही रेन फ्रॉम हेयर ही स्टूड, वह अपनी जगह से जहां वह खड़ा था वह वहां से भागा। क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर, और सचमुच के भय से वास्तव में इस बार डर गया, और डर के मारे वह चिल्लाने लगा, रोने लगा, माँ पिताजी, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, और उनकी
आंखों से आंसू बहने लगे, जो कि हॉट एंड फायर, जो कि गर्म गर्म थे। हिज फ्लस्ट फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, और उसका जो दमकता हुआ चेहरा पहले हुआ करता था, चमचमाता हुआ चेहरा था बच्चे का, बच्चे के चेहरे पर जो खुशी का भाव था ना, फ्लस्ट फेस उसी को कहते हैं। जब बच्चे का चेहरा, बच्चे जब खुश होते हैं तो उनके चेहरे को फ्लस्ड फेस कहेंगे, चमकता हुआ चेहरा। वह कन्वल्स्ड हो गया स्टूडेंट, कन्वल्स्ड मतलब मुरझा गया, विथ फियर डर के मारे, पैनिक स्ट्राइकन, पैनिक मतलब भय, स्ट्राइकन मारा हुआ यानी भयाक्रांत उसको कहते हैं हिंदी में, भयाक्रांत यानी भय से आक्रांत होकर यानी डर के मारे, आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो। He ran to one side first, then to the other, either and thither in all directions, knowing not where to go. क्या करता है बच्चा डर के मारे, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, यानी हर दिशा की तरफ वह भागने लगा, पता नहीं कि वह कहाँ जाए। और mother, father, he wailed his, और वह बिलाप कर रहा है, फूट फूट के रो रहा है दहाड़ मार करके, माँ पिताजी, इस तरह से चिल्ला रहा है बच्चा। हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड, टाई मीन्स होता है बांधना, यहाँ पर हो गया अनटाइड, उल्टा हो गया ना, बंधा हुआ था पहले टर्बन, पीली पीली पगड़ी थी उसके माथे पर, देखो तो वो टर्बन अनटाइड हो गई मतलब खुल गई पगड़ी। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और जो उनके कपड़े थे गंदे हो गए, मड्डी हो गए, मड कीचड़ को कहते हैं, तो कपड़े गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, अब कहता है आवेग में आकर बच्चा यानी डर के मारे कुछ देर तक तो बच्चा इधर उधर भागता रहा। He stood defeated, अंत में वह हार गया और खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs, अब जो जोर जोर से रोने की जो आवाज थी वह सिसकियों में बदल गई, अब सिसक रहा है बच्चा, अब पहले जोर जोर से चीख रहा था ना, अब चीख नहीं रहा है। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking, और थोड़ी ही दूरी पर क्या देखता है, हरी हरी घास है, और वहाँ पर अपनी फिल्मी आईज, धुंधली आंखों से वह देख रहा है कि वहाँ पर पुरुष और महिलाएं आपस में बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. कहते हैं हरी हरी घास पे जो बैठे हुए थे लोग ना, तो among the patched of bright and yellow clothes, उन लोगों के कपड़े कैसे थे, शीटदार या तो छापे जिसमें होते हैं कपड़े में patches, और येलो क्लोथ्स पीले पीले कपड़ों में थे लोग, उनको देखता है गौर से बच्चा, उनमें से शायद उनके मम्मी पापा हों, ठीक है, ऐसे लोग जो कि क्या कर रहे थे, हुसैम्ड टू लाफ एंड टॉक, ऐसा लग रहा था कि ये लोग आपस में हंस बोल रहे थे, किस लिए, जस्ट फॉर लाफिंग एंड टॉकिंग, बस केवल मनोरंजन करने के लिए। अब ही रेन क्विकली अगेन, अब तेजी से वह एक बार फिर दौड़ा, दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, एक पूजा स्थल या श्राइन कहो मंदिर को, तो मंदिर की तरफ वह बच्चा भागता है जहां पर लोग क्या हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, इसलिए श्राइन है भाई पूजा करने के लिए, और इसलिए टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, लोग इकट्ठे हो रहे थे, क्राउड मतलब भीड़ होती है, तो क्राउड मीन्स यहाँ हो गया भीड़ लगाना। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन,
कहता एक एक इंच धरती जो यहाँ लोगों से भरी हुई थी, कंजेस्टेड थी, बट ही रेन थ्रू पीपुल्स लेग्स, लेकिन बच्चा तो छोटा है ना, लोगों के टांगों के बीच से वह भागता जा रहा था, हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग, और दबी हुई सिस्कियां अभी भी कह रही थी मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल। अब टेम्पल के दरवाजे पर जाकर के हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वह भीड़ काफी घनी हो गई, मैन जोसल ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हैप्टी शोल्डर्स, कहता है उसमें भारी भरकम आदमी थे और गुस्साई ही आंखों वाला मर्डरस आईज, ऐसा लगता है कि हत्या कर दे किसी की, एंड हैप्टी शोल्डर्स, भारी भरकम कंधे वाले मजबूत कंधा वाला आदमी था, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, बच्चा उनके पैरों के बीच से काफी बल लगा रहा है और सोच रहा है कि हम आगे भागे, लेकिन किसी ने उसको नॉक डाउन कर दिया, उसको धक्का लगा दिया, और ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फूट हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, फादर मदर, बच्चा यदि जोर से कहता है माँ और पिताजी चिल्लाता नहीं ना, तो उसको पैरों से किसी ने कुचल दिया होता, जोर से चिल्लाया तब उसकी जान बची, कैसे, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, अब वह बच्चा को एक आदमी उठा लेता है उस उमड़ती हुई भीड़ में से, बड़े कष्ट से, स्टूपिंग विथ, स्टूप मतलब झुकना, तो भीड़ में तो नीचे झुकना बहुत मुश्किल होता है ना, तो मुश्किल से बेचारा झुका और उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, भीड़ से दूर जब ले गया उस आदमी ने उस बच्चे को, सवाल पूछा कि बच्चा बेटा तुम यहां कैसे आ गया, तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर, पहले से ज्यादा तेज गति से बच्चा रोने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, अब बच्चा राउंड अबाउट के पास ले जाता है, सूद मतलब होता है स्टूडेंट शांत कराना, अभी वह रो रहा है ना, शांत कराने के लिए उसको राउंड अबाउट के पास ले जाता है, वह आदमी बड़ा अच्छा आदमी था, फिर कहता है बेटा तू घोड़े पर चढ़ेगा, ही जेंटली आस्क प्यार से पूछा, एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जब वह रिंग यानी घेरे के पास जब पहुंचा तो वह घोड़ा वगैरह भी था, घोड़े पे चढ़ेगा क्या, काठ वाला घोड़ा, द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू ए थाउजेंड श्रिल, तो बच्चे के गले से कहता है हजार गुना ज्यादा तीक्ष्ण आवाज निकली, सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड, और सिसकते हुए और चिल्लाते हुए उसने कहा आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर, द मैन हेडेड टूवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, अब कहता है वह आदमी और आगे बढ़ा उस जगह पर जहां पर वह स्नेक चार्मर अभी भी बांसुरी बजा रहा है एक कोबरे के आगे जो स्विंग जो झूम रहा था कोबरा, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, तो वह आदमी कहता है बेटा इस खूबसूरत म्यूजिक को सुनो, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रीम आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर, बच्चे ने दोनों कान अपनी उंगलियों से बंद कर ली और जोर से चिल्लाया डबल पिच्ड स्ट्रीम यानी दोगुनी ताकत से कि मुझे तो मेरी माँ और पापा चाहिए,
द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। गुब्बारे के पास ले गया इसलिए कि शायद उनके कलर्स को देख करके, यानी कैसा कलर है बैलून्स का, ब्राइट कलर, चमचमाता हुआ कलर, शायद उनको डिस्ट्रैक्ट कर ले, द चाइल्ड्स अटेंशन, बच्चे का ध्यान बहल जाए, एंड क्वाइटन हिम, और वह चुप हो जाए। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, कहा ये इंद्रधनुषी या रंगों वाला गुब्बारा चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क्ड, बड़ी फुसला करके प्यार से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब, तो बच्चे ने ध्यान हटा लिया उस उड़ते हुए बैलून से और फिर वह सिसकने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर से, अभी भी वह आदमी सोच रहा था कि हम किसी तरह इस बच्चे को हैप्पी करें, खुश करें, तो उसको ले गया। बियर बोर, बियर मतलब ले जाना, यहाँ बियर का पास्ट टेंस, बोर ही टू द गेट, उस दरवाजे तक ले गया, वेयर द फ्लावर सेलर से, जहाँ वही फूल वाला बैठा था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, कहा देखो बेटा ये सुंदर सुंदर फूलों को तुम सूंघना चाहोगे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुमको माला चाहिए पहनने के लिए अपने गले में। तब द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड हिज सॉब, और बच्चे ने बास्केट से अपनी नजर हटा ली, अपनी नाक हटा ली, और फिर वही शब्द उन्होंने दोहराया, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब देखो, सोचा बच्चे को हम हंसा सकते हैं, भाई बहुत डिसकंसोलेट, बहुत हताश हो गया है बच्चा, कैसे, बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का उपहार दे करके वह आदमी उसको ले जाता है स्वीट काउंटर पर, मिठाई की दुकान पर। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कहा बेटा तुमको कौन सी मिठाई पसंद है बोलो। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप्ड, बच्चे ने मिठाई की दुकान से भी नजर फेरते हुए क्या कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा लेसन वन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, बहुत ही छोटी सी कहानी थी, और बड़ा ही राइटर लेकिन बहुत बड़े हैं इसके, मुल्क राज आनंद, बहुत फेमस राइटर हैं, इंडियन राइटर्स हैं, तो इन्हीं के द्वारा ये लिखी गई थी कहानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। यदि कोई कमी रह गई हो, किसी वर्ड को आप नहीं जान पाए, किसी लाइन को नहीं समझ पाए, तो ज़रूर आप कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।